अस्सलाम वालेकुम, प्रॉपर्टी गपशप की एक और प्रोडक्शन में खुश आमदीद। बेसिकली मैं सेक्टर जे में खड़ा हूँ। इट्स अ फॉलो अप वीडियो ऑफ एन अदर वीडियो दैट वी डिड ऑन सेक्टर जे, जिसके ऊपर हमारे एक यूज़र ने, सब्सक्राइबर ने कमेंट किया हुआ था दैट दे वांटेड टू सी द स्ट्रीट्स ऑफ सेक्टर जे। सो वी डिसाइडेड कि हम आएँ और आपको सेक्टर जे की स्ट्रीट दिखाएँ। सो बेसिकली दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शो द स्ट्रीट्स ऑफ सेक्टर जे, बट यू कैन सी राइट नाउ बिहाइंड मी के मशीनें यहाँ पे दो लगी हुई थी जो अभी रिसेंटली रुकी हैं। मैं दोपहर के टाइम आया था, हम शो उनकी लंच ब्रेक होएगी। तो काम सेक्टर जे में चल रहा है और अब मैं हम आगे जाते हैं और आपको मैं स्ट्रीट्स दिखाता हूँ जो यहाँ पे स्ट्रीट्स निकल रही हैं। बेसिकली जो स्ट्रीट्स यहाँ पे निकल रही हैं इस वक्त, सो लेट्स गो एंड चेक आउट द स्ट्रीट्स दैट आर बींग डिवेलप्ड बाई डी एच ए इन सेक्टर जे। अच्छा, मैं उस जगह ही आ गया हूँ जहाँ पर आप मेरे बैकग्राउंड पर देख रहे होंगे मशीन लगी हुई थी। ये है जी मशीन, बेसिकली जो आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे होंगे अर्लियर, तो उसी मशीन के पास मैं आया हूँ और अनफॉर्चुनेटली उसी के पास ये स्ट्रीट है जो निकल रही है। तो हैव अ लुक अराउंड कि जो स्ट्रीट है वो सेक्टर जे की एक ये निकल रही है, एक उस तरफ भी निकल रही है। कम आई विल शो यू दैट स्ट्रीट एज़ वेल। तो बेसिकली स्ट्रीट्स का काम यहाँ पे हो रहा है, कटिंग जो है वो इधर की हो चुकी हुई है। स्ट्रीट आगे है, लेट्स गो एंड चेक दैट्स द अदर स्ट्रीट एज वेल दैट इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय डीएचए। सो मैं स्ट्रीट दिखा रहा हूँ आपको, बेसिकली डीएचए फेज 5 सेक्टर जे की जो कटी हुई हैं। दिस इज़ अनदर स्ट्रीट, हैव अ लुक अराउंड। ये भी ग्रेट टॉप है और इफ़ यू कैन सी क्लोजली तो यहाँ पर टायर मार्क्स हैं। सो यही जो मशीनें मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, बेसिकली ये इधर काम करी हैं, एवी नहीं खड़ी हुई। तो स्ट्रीट्स जो हैं यहाँ पे उनका काम चल रहा है और तीन स्ट्रीट्स यहाँ पे जो हैं वो ग्रे टॉप हैं। छोटा सा सेक्टर है, एवेन्यू तैयार है इसका। तो बाकी जो स्ट्रीट्स हैं थोड़ी सी वो साइड पे हैं जो अभी निकल रही हैं, आप कह लें भी वो एक डर्ट स्ट्रीट हैं एक तरह की। सो स्ट्रीट्स का काम यहाँ पे चल रहा है। अच्छा, मैं एक और स्ट्रीट पे आपको दिखाने लगूँ भी, जिस स्ट्रीट से मैं आया हूँ उस तरफ है जिससे हम अभी आए हैं। ये एक और स्ट्रीट है जो निकली हुई है और ये ग्रे टॉप हुई हुई है। सो लेट्स गो इनसाइड द स्ट्रीट एंड चेक इट आउट कि ये जो स्ट्रीट है ये कैसी निकली हुई है। डीएचए की तरफ से सेक्टर जे ओवरसीज सेक्टर में काम हो रहा है, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि ये कटा हुआ है और यहाँ पर स्ट्रीट्स निकल रही हैं अभी, देयर इज़ नो इशू ऑफ लिटिगेशन। सो ये जो स्ट्रीट है एक और जो है वो कटी हुई है यहाँ पे। अच्छा, ये जो सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहा है डजंट मीन के लिटिगेशन है, दिस इज़ नॉट पार्ट ऑफ डीएचए फेज 5, सेक्टर जे इज़ लिटिगेशन फ्री। सो स्ट्रीट्स निकलने का जो स्टेज है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है सेक्टर जे में। एक मैंने आपको दिखाई, एक ये दिखाई, कुछ उस तरफ भी निकल रही हैं पर अभी वो कच्ची हैं, उनका वो ग्रेट टॉप नहीं हुई। दिस इज़ समथिंग, दिस डेवलपमेंट हैज जस्ट स्टार्टेड, दैट स्ट्रीट्स आर बीइंग डेवलप्ड इन सेक्टर जे। सो वंस अगेन, जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, सेक्टर जे इज़ राइप राइट नाउ फॉर इन्वेस्टमेंट सिंस इट इज़ बीइंग डेवलप्ड, काम हो रहा है यहाँ पे। अगर आप उधर भी देखें तो डीएचए की तरफ से वहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन मटेरियल उन्होंने ला के रखा हुआ है, ये भी सेक्टर जे में पड़ा हुआ है। मशीनें भी यहाँ पे लगी हुई हैं, उस तरफ भी यहाँ पे सेक्टर जे में काम हो रहा है। देयर इज अनदर मशीन डीप इनसाइड सेक्टर जे, वो साइड पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे 80-90 की ब्रैकेट में 10 मल्ला प्रॉफिट की डिमांड है, बेसिकली आपको प्लॉट मिल जाता है। और बींग एन ओवरसीज सेक्टर, आई विल एम्फसाइज अगेन, रीइट्रिएट दैट दिस इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कीपिंग इन माइंड 2-3 ईयर्स। मैं तो शायद आई थिंक इट्स अ बिट ओवर, आप इवन 1 or 2 ईयर्स में भी आपको यहाँ पे एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सो फॉर एनी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी और इफ़ यू वॉन्ट टू बाई अ प्लॉट हेयर ताकि आप फ्यूचर में यहाँ पे अपना घर बनाएं, सो दिस इज़ द प्लेस फॉर यू, ओवरसीज सेक्टर जे और डीएचए फेज 5।